धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की प्रथा कई हजार सालों से चली आ रही है, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारी हेल्थ से है। झाड़ू जो है वो माँ लक्ष्मी और सफाई का प्रतीक है, जो घरों में गंदगी और दरिद्रता दोनों को ही निकाल देती है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को धन से ऊपर हमेशा ही रखा गया है, इसीलिए ही हर साल धनतेरस का पर्व दिवाली से पहले मनाया जाता है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि भारतीय सरकार भी धनतेरस को प्राथमिकता देती है और आयुर्वेद दिवस के रूप में हर साल इसे 2016 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। मगर मॉडर्नाइजेशन की वजह से आज के लोगों ने इस पूजा के महत्व और रहस्य दोनों को ही बर्बाद कर दिया है। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर धनतेरस मनाया क्यों जाता है, इसका रहस्य क्या है और कैसे इस त्योहार के जरिए हम अपना कुंडली दोष खत्म कर सकते हैं। धन्वंतरी जयंती को ही धनतेरस के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी देवता अवतरित हुए थे और उन्हीं के हाथ में था अमृत का कलश, और इसीलिए ही इस दिन बर्तन खरीदने की प्रथा भी है। धन्वंतरी देव को ही देवताओं का वैद्य और आयुर्वेद का जनक माना जाता है। असल में धनतेरस का पूरा दिन धन्वंतरी जी का ही होता है, मगर आज के वक्त में लोग क्या करते हैं कि शाम को गणेश लक्ष्मी जी की पूजा मात्र करके सोच लेते हैं कि धनतेरस की पूजा हो गई। जबकि शास्त्रों के अनुसार अगर आपने धनतेरस के दिन मुहूर्त के वक्त भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर जी, यमराज और धन्वंतरी देव की पूजा नहीं की तो आपका धनतेरस फलित नहीं होगा। यम दीपक, ये वो दीपक है जो आपके परिवार का कुंडली दोष मिटाने के लिए धनतेरस वाले दिन जलाया जाता है। अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो गई है या फिर कोई कम उम्र में चल बसा है तो इस दोष को खत्म करने के लिए यम दीपक जरूर जलाएं। इस दीपक में आप सरसों और तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दीपक जलाना कब है? जब आपके घर के सभी मेंबर्स घर में उपस्थित हों और इस दीपक को सभी प्रणाम करें, सभी अपने स्वास्थ्य की मनोकामना करें और उसके बाद इस दीपक को घर की साउथ डायरेक्शन में घर से बाहर किसी भी नाली या फिर कूड़े के स्थान पर रखा जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात बस इतनी है कि कभी भी कोई दीपक जब भी आप जलाएं तो उसे जमीन पर ऐसे ही ना रख दें, इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। हमेशा दीपक के नीचे आसन बनाएं चावल के दानों का। ये तो बात हो गई यम दीपक की, अब चलिए जानते हैं कि आखिर हम धनतेरस के दिन बर्तन खरीदते वक्त क्या गलती करते हैं। तो आपको बता दें कि पौराणिक शास्त्र के अनुसार धनतेरस पर कभी भी लोहे, स्टील, कांच और सेरेमिक के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। अगर आपकी क्षमता है तो चांदी या फिर सोने के बर्तन खरीदिए। अगर नहीं है आपकी क्षमता तो मिट्टी के बर्तन खरीद कर घर लाइए, क्योंकि कांच का बर्तन राहु का प्रतीक होता है और लोहे अथवा स्टील शनि का प्रतीक है। आप साल के किसी भी और दिन इन बर्तनों को खरीद सकते हैं, मगर धनतेरस पर घर में राहु और शनि को प्रवेश नहीं देना है। अगर आप बात करें मुहूर्त की तो हर त्योहार में मुहूर्त का विशेष महत्व होता है, इसीलिए धनतेरस की पूजा आप भी 10 नवंबर को 5:47 से 7:43 के भीतर ही कर लें। प्रदोष मुहूर्त के बाद पूजा करने का कोई भी लाभ नहीं होता है, वो सिर्फ आपका पर्सनल सेटिस्फैक्शन मात्र बनकर रह जाता है। तो धनतेरस त्योहार पर मेरी ये पेशकश आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फ्यूचर वीडियोस के लिए मुझे तुरंत फॉलो कर लें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।